गाइस, वेलकम बैक टू चैनल आइकॉनिक इंग्लिश। और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लाई हूँ आपके लिए। आज से आपको किसी को भी हैप्पी बर्थडे विश करने की नहीं है ज़रूरत। नई सेंटेंस सीखिए, नए विशेस सीखिए, क्यों पुराने यूज़ करने। तो चलिए शुरू करते हैं कि ना आप नए नए तरीक़ों से हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं किसी को। फर्स्ट है हमारी लाइन में Many happy returns, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है many happy birthday returns, okay? Next है हमारे पास have a great birthday. I wish you the best on your special day. Wishing you a day that is as special as you. हम किसी को ये फील करा रहे हैं कि आप इतने स्पेशल हैं जितना ही आपके लिए बर्थडे। Wishing you many more candles to blow, यानी कि आपके और इसी तरह से बर्थडेज आते रहें और आप अपना और कैंडल्स ऐड करते जाएं अपने केक में। May your day be filled with laughter and presents. हम किसी को विश कर रहे हैं कि उनका जो बर्थडे है या वो दिन है वो लाफ्टर और प्रेजेंट्स यानी कि गिफ्ट से भर जाए। Then we have congrats, you survived another trip around the sun, यानी कि एक ट्रिप अर्थ जो लगाता है सन के अराउंड वो एक साल का होता है, तो हम कहते हैं कि आप एक और साल जी गए, सर्वाइव कर गए। देन वी विल से यू आर एजिंग लाइक अ फाइन वाइन। फाइन वाइन को कहते हैं जो एज के साथ जितनी पुरानी होती है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होने लगती है, बेहतरीन होने लगती है। तो हम किसी को कह रहे हैं कि आपकी एज जो है एज के साथ साथ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, बेमिसाल होते जा रहे हैं। तो ये थे कुछ विशेस जो आप लोगों को अट्रैक्टिवली बर्थडे विश कर सकते हैं इन्हीं तरीक़ों से। आई होप आपको अच्छे लगे हो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।